हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नितिन बोयर, फैकल्टी ऑफ जेडब्ल्यू मैथमेटिक्स। हमने लोकस के प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे। आज हमारा प्रॉब्लम है, बोला गया है फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट। आपको पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। अच्छा, पॉइंट का लोकस फाइंड करना बोले तो इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सो दैट, यह कुछ इस तरह मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, इस थ्री टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी ओरिजिन की जो दूरी है वो क्या है, थ्री टाइम्स है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो डायग्राम बना दो। सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट इस बी पॉइंट का आपको क्या निकालना है, लोकस पॉइंट निकालना है। लोकस निकालना है, उसको आप क्या लेना है, एच कॉमा के। लेट पी इज एच कॉमा के। एच कॉमा के कौन है, ऐसा पॉइंट जिसका मेरे को क्या निकालना है, लोकस निकालना है, ठीक है। और फ्रॉम द ओरिजिन, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, ये क्या है, थ्री टाइम्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखते हैं ओरिजिन क्या होता है। ये तुम्हारा ओरिजिन है जिसको मैं ओ बोल देता हूं, और ये सपोज मान लो एच कॉमा के आपका पॉइंट इधर है, पी इज एच कॉमा के, यानी आपका जो ओपी डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये वाली दूरी, ठीक है, इज इक्वल टू द थ्री टाइम्स, कितने टाइम्स, थ्री टाइम्स, यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, ये यहाँ पे लिखा है थ्री टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, थ्री टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोले तो ये वाली दूरी होती है, ठीक है, ये वाली दूरी। और आपको पता है ये वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमेशा कौन से किसके बराबर होता है, y कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर k, ठीक है। और आपको बोला गया है कि आपकी जो op दूरी है, आपकी जो op दूरी है, यानी ये जो op डिस्टेंस है ये थ्री टाइम्स है, क्या है, डिस्टेंस इज थ्री टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इसका x एक्सिस से दूरी कितनी है, k है। तो ये आपका OP ओरिजिन से जो दूरी है वो कितने है, थ्री टाइम्स है, किसने, 3k के बराबर, दैट इज द डिस्टेंस। यहां पे मैं लिख ले रहा हूं थ्री टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, थ्री टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो दैट इज OP इक्वल टू 3 इनटू k, है ना। ये जो दूरी है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज योर के, ठीक है। तो और OP ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। यहां पे आप क्या लगा लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, तो ये OP क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ यहां पे क्या रहेगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया इक्वल टू 3 उसके बाद मैंने बोला था अगर आपके h और k जो वेरिएबल पॉइंट होता है जिसका लोकस पॉइंट करना है उस पर रेडिकल साइन नहीं होना, जैसे कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसीलिए इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं तो इधर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू इधर 3k का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। इधर यही स्क्वायर 3 को जाएगा तो 9 बनेगा, यही स्क्वायर k को जाएगा तो k स्क्वायर बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेता हूं, ये k स्क्वायर को मैं इधर लेके आता हूं, तो ये एच स्क्वायर, ये प्लस के स्क्वायर, उसके बाद माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा देखो k स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बोले तो माइनस 8k स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस माइनस यहां पे माइनस 8k स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने आपका रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया इन द फॉर्म ऑफ h एंड k। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेप क्या थी, हमको क्या करना था कि h को रिप्लेस करना है, रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y, ठीक है। तो यहां पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8, के को रिप्लेस करना वाई से तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। यानी दिस इज द लोकस ऑफ अ दिस पॉइंट, ठीक है, जो मूव कर रहा है
लाइक इसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो क्या है, थ्री टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज योर लोकस। ये है आपका इक्वेशन ऑफ लोकस, दैट इज योर आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए इज अ 5.3, ठीक है, बी इज अ 3.-2, बी इज अ 3.-2, आर टू फिक्स पॉइंट, ये क्या है हमारे फिक्स पॉइंट है, और आपको बोला गया फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, आपको पी का क्या निकालना है, लोकस निकालना है। अच्छा, लोकस निकालना है तो कंडीशन दी है विच मूव सो दैट, ये कुछ इस तरह मूव कर रहा है ये पॉइंट कि इसका जो एरिया है, इसका जो पी ए बी ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कितना है, 9 है, तो आपको क्या निकालना है, पी का लोकस निकालना है। देखो सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट पी इज एच कॉमा के, ठीक है, और गिवन है तुम्हारे पास, इसको लेट करने की जरूरत नहीं है, ए है तुम्हारा 5.3 एंड बी इज 3.-2, और क्या बोला गया है कि इसका जो एरिया है ट्राइंगल ऑफ पी ए बी वो कितना है, 9 यूनिट्स है। ठीक है, तो देखो यहां पे देख सकते हो, सपोज मान लो एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं, ये तुम्हारा ए है जो 5.3 है, ये तुम्हारा बी है जो क्या है 3.-2 है, और ये तुम्हारा पी है जिसका लोकस निकालना है, जिसको हमने एच कॉमा के ले लिया। ठीक है, और आपको पता है एरिया कितना दिया है, 9 यूनिट्स दिया है। ठीक है, अच्छा ये जो एरिया दिया रहता है वो जो 9 यूनिट्स दिया रहता है ये प्लस माइनस वैल्यू रहती है, क्योंकि अगर मेरे को पता है एरिया कभी निगेटिव आया तो भी हम क्या करते हैं उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसको 9 ना लेते हुए हम क्या लेंगे, प्लस माइनस 9 लेंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इक्वल टू क्या लेंगे, प्लस माइनस 9। ठीक है, और मेरे को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर कोऑर्डिनेट पता है तो एरिया क्या होता है, हमने डिटरमिनेंट मेथड पढ़ी है, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ इधर एच, इधर के, इधर 1, इधर क्या रहेगा 5, इधर क्या रहेगा 3, इधर क्या रहेगा 1, इधर क्या रहेगा 3, इधर -2, इधर 1 इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस 9। ठीक है, अब सिंपल ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो इधर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 18 बन जाएगा। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व करता हूं तो एच इंटू इधर क्या रहेगा 3 × 1 = 3, अच्छा यहाँ पे माइनस होता है लेकिन यहाँ पे -2 बनेगा तो ये +2 बनेगा, प्लस यहाँ पे माइनस रहता दूसरा के है तो -k। ठीक है, अंदर में ये कॉलम ये रो छोड़ना है तो 5 × 1 = 5 - 3। ठीक है, इधर प्लस में 1 × ठीक है, इधर ये कॉलम ये रो छोड़ना है तो ये -10 और ये -9, ये -9, ठीक है, इक्वल टू +-18। अच्छा 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है वही आएगा, ये तो -19 बन गया तो यहां पे क्या बन जाएगा, -19। ठीक है, -19 इक्वल टू क्या आएगा, +-18 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो 5 - 3 यानी 2, यहां पे क्या आ जाएगा, -2 के आ जाएगा, -2 के, और इधर क्या रहेगा 5h आ जाएगा, यहाँ पे 5h, ये हो गया। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 5h - 2k इधर, या फिर मैं मेरे को पता है रिलेशन मैंने एस्टेब्लिश कर लिया है। ठीक है, ये प्लस माइनस को इधर लेके आता हूं तो ये 5h - 2k - 19, अच्छा यहाँ पे +-18 इक्वल टू 0। क्योंकि प्लस माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये वाला प्लस इधर जाके माइनस बन जाएगा और ये माइनस क्या रहेगा, प्लस बन जाएगा, या फिर अगर ऐसा नहीं समझता है तो एक एक बार ले लो, तो दो इक्वेशन बनेंगे, एक 5h - 2k - 19 इक्वल टू +18, प्लस वाला ले लिया, या फिर और 5h - 2k - 19 - 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इक्वल टू में लिया है तो इक्वल टू -18। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है, 18 को इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, 5h - 2k और -19 - 18 इक्वल टू 0।
ये वाले माइनस 18 को इधर लाओगे तो, और 5h माइनस 2k माइनस 19 प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन जाएगा माइनस 37। तो यहाँ पे 5h माइनस 2k माइनस 37 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस 1, 5h माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमने एस्टैब्लिश कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एच कॉमा के। अब क्या करना है, h को रिप्लेस करना है किससे, x से, और k को रिप्लेस करना है y से। तो यहां पे मैं लिखूंगा रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 2y माइनस 37 इक्वल टू 0, और 5x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। That is your required equation of locus. ये क्या रहेगा तुम्हारा, required equation of locus रहेगा, ठीक है। यानी ये इस तरह का ये पॉइंट का लोकस है जिसका एरिया हमेशा कितना रहेगा, 9 यूनिट्स रहेगा। तो दैट इज योर इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है।